यस सर। शीट नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। हाँ जी बोलो। नो सर। ठीक है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 एंड 6 में, 7, 8, 9, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। कोई कर सकता है? आज ही किया हमने। बनाओ सेमी सर्कल और निकालना जरा इसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी। किसी का हुआ वैसे सॉल्व ये ऑनलाइन? नो सर। करना जरा। देखो, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है और रेडियस इसका 5 मीटर है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ऐसे डायग्राम बनेगा ना। ये इसकी टेंजेंशियल, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जब कितना कवर किया उसने, तो हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब सेमी सर्कल। तो ये बताओ आपको क्या निकालना है इसमें, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होती क्या थी याद करो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यही था। चेंज इन वेलोसिटी बोलो कितनी है इसमें, बोलो ये 5 है, ये 5 है, चेंज कितना है, बस वेक्टर नहीं आता फिर। 5 माइनस माइनस 5 10, बॉल जाती है एमवी, टक्कर खा के आती है एमवी, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो थोड़ी ना होता है, 2 एमवी। वेलोसिटी एक नीचे एक ऊपर, देखो अगर दोनों वेलोसिटी साथ जा रही है 5 एंड 5, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, 5 में से 5 गया जीरो। अगर एक आगे है और एक पीछे है, तो पीछे के लिए -5 तो लगाना है, तो 5 माइनस माइनस 5, आंसर इज 10। 10 जीरो नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, वेक्टर में समझ आया था, किया था आपने, डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये बताओ यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पाई आर, डिस्टेंस पाई आर, और स्पीड कितनी है इसमें 5 मीटर पर सेकंड, रेडियस आपको गिवन है, यहां से टाइम आ गया, इस टाइम को यहां पुट करके एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे करना है, वेक्टर का ज्यादा सर्कल का कम, यही है वेक्टर का ज्यादा क्वेश्चन है और सर्कल का तो है ही कुछ नहीं इसमें। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। हो जाएगा सॉल्व? और देखो बनाने वाला कितना समझदार है, उसे जान के ऑप्शन जीरो डाल रखा है, उसको पता था आप में से कोई ना कोई 5 में से 5 जीरो करके आंसर जीरो मार्क करके ही आएगा पक्का। बनाने वाला भी तो गुरु है ना सबका, उसको पता ही है कि बच्चा क्या सोचेगा। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो किया था वो T1, T2 वाला, सेम लास्ट टाइम वाला। 11। यस सर। बकेट फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 आर गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, ये कैसे आएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, वर्टिकल सर्कल इसमें तो वो गिवन है नहीं, वेलोसिटी नहीं गिवन, पता नहीं कैसे होगा भाई, ये नहीं पता लग रहा। टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल 2πr अपॉन v, वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, तो होएगा ही नहीं मेरे को लगता है सॉल्व। नहीं हो पाएगा अकेले रेडियस से, मैं ये कैसे बता सकता हूँ कितने समय में चक्कर पूरा करेगा बिना स्पीड के, कर नहीं पाऊंगा यार, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, वी मिसिंग है, गलत है क्वेश्चन, सही है, किसी का हुआ है वैसे ऑनलाइन? नहीं ना। नो सर, नहीं हुआ। नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, वेलोसिटी नहीं गिवन ना, मिसिंग है। 12th, ओमेगा से बोलो, ओमेगा क्या होगा, 2π/T,
टू पाई बाय ओमेगा टी है, ओमेगा क्या है? वो उन्हें ओमेगा नहीं, वो वी होता है रूट जी आर, ओमेगा नहीं होता। नंबर टू, ओमेगा या वी दोनों ही मिसिंग है, ना वी पता है ना ओमेगा पता है ना टी पता है, टाइम पीरियड तो कुछ भी नहीं पता, नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्वेल्थ, थर्टींथ, फोर्टीन और फिफ्टीन। फिफ्टीन देखने में डरावना है नहीं उतना, फिफ्टीन तो कहानियां डाल रहा है देखो बहुत बड़ी बड़ी। वो कह रहा है एक ना पेंडुलम है, मैं ठीक है पेंडुलम है, वो कह रहा है लिमिट्स है उसकी माइनस फाइव और फाइव, मतलब इधर एंगल जाता है उसका फाइव और इधर जाता है फाइव, इधर जाने को माइनस फाइव बोलता है, इधर को फाइव बोलता है, तो ऐसे जाता है, ठीक है जाता होगा। पर कह रहा है नहीं, अभी वो जा सिर्फ थीटा पे रहा है और थीटा लेस देन फाइव है, जा तो फाइव तक सकता है पर गया भी थीटा तक, अगर थीटा लेस देन फाइव यानी कि किसी इंस्टेंट पर ये डायग्राम बनेगा, सीधे बोल देता यार पेंडुलम थीटा एंगल पे है, तो कह रहा है ये बताओ टेंशन क्या होगी इस इंस्टेंट पे, तो इट इज मूविंग इन अ सर्कल ना, तो इक्वेशन सेंटीपेटल की क्या होगी, ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय एल, ये देखो इतनी बड़ी चमक रही है, किया है हमने, आंसर आ गया। मतलब ना भी क्वेश्चन समझ में आए कम से कम अंदाजे से आंसर तो मार्क कर ही सकते हो। 16, यस सर, 16 में डाउट है। इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ गिवन एंड मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फैन की फ्रीक्वेंसी गिवन है 1200 आरपीएम। देखो आपको ऐसा करना है, रेडियस गिवन है बेसिकली, आपको आर गिवन है रेडियस, फ्रीक्वेंसी गिवन है 1200 आरपीएम को 60 से डिवाइड करो आरपीएस, क्या निकालनी है एक्सेलरेशन, सर्कल में घूमेगा तो आर ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन है सेंट्रीपेटल, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो आंसर आ गया आर इनटू 4 इनटू पाई स्क्वायर इनटू एफ स्क्वायर, पुट कर लेना आंसर, आर यानी कि लेंथ ऑफ द ब्लेड है, रेडियस है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, निकाल लेना, ठीक है यहां तक। 17 में साइक्लिस्ट डबल हिज स्पीड, हाउ डज द टेंडेंसी ओवर टर्न वेरी। देखो एक बात बताओ, अगर स्पीड साइकिल वाला बढ़ाएगा तो गिरने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी, कहाँ होली घूमना है नहीं गिरेगा, कहाँ बहुत तेज आएगा, आप कहेंगे होली चलाइयो गोल गोल घूमना है, गिर गुरना चाहिए कहीं, यानी कि गिरने की टेंडेंसी तो है ही। तो टेन थीटा ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, वी स्क्वायर बाय आर जी, अब वी को अगर डबल करेंगे, डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो चार गुना ज्यादा उसको बेंडिंग करनी पड़ेगी, और अगर बेंडिंग ना कर पाया चार गुना चांस है, अब इसका मतलब फोर टाइम टेंडेंसी कि वो पलट जाएगा, तो चार गुना का वो है ऑप्शन, इसमें फोर्थ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन।